रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन के लिए किस कंपनी को इजाजत मिली है? एक्सपर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या कहा है? अमेरिका में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की मौत ज्यादा, देखते हैं टॉप 9 महामारी। भारत में कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी में भी शुरू हो गया। DGCI ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के लिए फार्मा कंपनी पैनेशिया बायोटेक को मंजूरी दे दी है। इससे पहले स्पुतनिक वी का उत्पादन हैदराबाद की रेड्डी लैब भी कर रही है। दो कंपनियों में उत्पादन होने से वैक्सीन की किल्लत दूर होगी। कोरोना से जुड़ी एक सरकारी समिति के वैज्ञानिक और IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर नया वेरिएंट आया तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। मनिंद्र अग्रवाल ने लोगों को चेताते हुए कहा कि अगर कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता तो तीसरी लहर अक्टूबर नवम्बर के बीच चरम पर पहुँच सकती है। दक्षिण के राज्य केरल में कोरोना के हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। राज्य में 24 घंटे में 12,100 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 75 लोगों की जान इस महामारी की वजह से चली गई। केरल में अभी एक्टिव केसों की संख्या 1,04,000 से ज्यादा है। राज्य में अब तक 36 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अमेरिका ने अपने ज्यादातर नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का दावा किया है, लेकिन एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 99% ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अमेरिका के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि ज्यादातर लोगों की मौत को टाला जा सकता है। कोरोना वायरस अपना रूप तेजी से बदल रहा है। अमेरिका में अब कोरोना का एक और नया वेरिएंट मिला है। नए वेरिएंट को RSV का नाम दिया गया है। इस नए वेरिएंट के कई मरीज अमेरिका में मिले हैं। नए वेरिएंट के लक्षण भी डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के जैसे ही हैं। अमेरिका में अब भी औसतन रोजाना 3,000 कोरोना के नए केस आ रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। दुनिया के कुछ देशों में तीसरी लहर ने दस्तक दे भी दी है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी भारत समेत एशिया में तेजी से फैल रहा है। WHO ने वैक्सीनेशन का काम जल्द पूरा करने की सलाह दी है। इंडोनेशिया में कोरोना की वजह से रविवार को 555 लोगों की मौत हो गई। कोरोना काल में एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत है। यहाँ कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। रविवार को 27,233 नए केस मिलने से चिंता बढ़ गई है। कोरोना के मामले बढ़ने से इंडोनेशिया की सरकार ने 20 जुलाई तक देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया है। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के रोजाना 20,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ब्रिटेन में 19 जुलाई से लॉकडाउन से जुड़ी सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया जाएगा। सरकार ने इस दिन को फ्रीडम डे के नाम से मनाने का ऐलान किया है। 19 जुलाई से मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के करीब है, लेकिन इस महामारी का फायदा उठाने वाले अभी बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 48 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।